Hey guys, welcome to my channel Reza Entertainment. I am Reza Chaudhary and I am vlogging today. और आज का vlog मैं start कर रहा हूँ इस रेलवे स्टेशन से. ये है मेरा कसर, जिसको आपने previous video में देखा होगा. हम बहुत ही suddenly मिले हैं रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि मैं भी वहीं से आ रहा था, ये भी आ रहा था, और हमने एक दूसरे को रेलवे स्टेशन पे देखा. और अब इसका भाई दिल्ली में पढ़ता है, स्टडी बॉय. कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा होगा. तो अभी हम आ चुके हैं दिल्ली, और मैं ट्रेन में ना कुछ भी ब्लॉग नहीं कर रहा. उसका रीज़न क्या भाई, जो मेरी सीट थी उस सीट पे आके अंकल बैठ गए, और उन्होंने मुझे वहाँ पे बैठने दिया क्योंकि मेरी विंडो सीट थी. और कहने लगे मुझे थोड़ा पेट ख़राब है, मेरी बुखार हो रहा है, तुम विंडो मत खोलना, मत खोलना. मैंने अलग ही सीट पर बैठा दिया. खैर कोई नहीं, अभी हम करते हैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू. आई एम बैक होम. आ चुका हूँ अपने घर वापसी यार. मेरा ना मन बहुत ऐसा अजीब अजीब हो रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं नानी घर गया और इतनी जल्दी जल्दी ऐसा आया. लिटरली मेरे भाई बहन सब ने, मामी मामा सब ने बहुत रोका, लेकिन अब क्या काम के जैसे बस मैं रुक नहीं पाया और मैं आ गया. वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे रोका और मैं नहीं रुका. और यार मेरे तो मामा मामी करते भी इतना है, मेरा मतलब इतना ज़्यादा करते हैं मेरे मामा मामी मेरे भाई बहन. और भाई मैं लक्की हूँ इस चीज़ में कि मेरे मतलब जितने भी अच्छे अच्छे रिश्तेदार हैं ना, सारे मेरे बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं. चाहे बड़े पापा ले लो, बड़ी मम्मी हैं, और मामा मामी. वरना दुनिया के यार मामा मामी अच्छे नहीं होते. मेरे मामा मामी मेरे ताऊ ताई सब कितने बढ़िया भाई. मैं तो बहुत लक्की हूँ इस मामले में कि सब बहुत अच्छे हैं और इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं. लाइक मामी और बड़ी मम्मी तो ऐसी है मेरी जैसी दूसरी माँ, इतना ही ध्यान रखते हैं जितनी मेरी माँ उतना ही वो. और भाई मतलब बड़े पापा भी बहुत करते हैं, मामू बहुत करते हैं, भाई बहन भी सारे, मतलब मस्त मौला वाली ज़िंदगी. और इसीलिए मेरा दिल थोड़ा ऐसा ऐसा हो रहा है कि मैं पहली बार ऐसा हुआ कि मैं गया और इतनी जल्दी जल्दी ऐसे वापस आया, क्योंकि मैं घर पर तो रुका ही नहीं, सिर्फ काम से गया, काम करा और काम से फिर अब वापसी. खैर कोई नहीं, जल्दी जाएंगे वहाँ पर फिर रुकेंगे. अभी तो मैं घर आ चुका हूँ, जल्दी से फ्रेशन अप हो जाता हूँ. फ्रेशन अप होने के बाद आपसे मिलता हूँ. मैं हो चुका था फ्रेशन अप और उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं करा, क्योंकि लिटरली यार 3 दिन में मैं कंप्लीट 10 घंटे भी नहीं सोया हूँ. एक दिन मैं रात को 1 बजे सोया, सुबह को उठ गया मैं रात को फिर 2:30 बजे उठ गया. एक दिन मैं 12:30 बजे सोया, फिर 3 बजे उठ गया. तो ऐसा ऐसा रूटीन रहा. तो मैं भाई 3 दिन के अंदर 10 घंटे भी नहीं सो पाया, मुझे नींद आ रही थी. मैं सोया अब भी नहीं, जस्ट मैं लेट गया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना ऐसी फटीक हो रही थी. और ऊपर से आज है मेरा फास्ट, आज मैंने फास्ट रख रखा है. और मुझे मतलब इतना लगता नहीं है कुछ फास्ट, तो इसलिए मैंने रख भी लिया, क्योंकि मुझे पता था ट्रेन में आना है, ट्रेन में मैं कुछ नहीं खाऊंगा. घर आते आते टाइम हो जाएगा, घर आके मैं कुछ नहीं खाऊंगा, फिर नहाना धोना इसमें सब टाइम में चला जाएगा. और वैसे ही हुआ, मुझे बिल्कुल भी फास्ट नहीं लग रहा. और अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, हाँ भाई अब फास्ट खोलने का टाइम हो चुका है. और अभी घर में बहुत सारी चीज़ें बन रही है, तो आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या बन रहा है. ये फूलों वाला दस्तरखान लग चुका है, अभी तो खा लिया. इस पर सिर्फ मतलब 2 चीज़ें जो कि है एप्पल एंड ऑरेंज पपाया, और बाकी भी थोड़ी देर में पूरा भर जाएगा. अभी किचन में चलते हैं, दिखाते हैं क्या बना रहे हैं. अनार भी आ चुकी, जैसे मैंने बोला 2 चीज़ें, एकदम तीसरी चीज है अनार. नीचे भी देखा पकौड़ी बन रही है, ऊपर आएगी चलने. यहाँ पर भी पकौड़ी बन रही है, पकौड़ियाँ सुन ज़्यादा पसंद है. तो मैं क्या खाऊंगा, मैं खाऊंगा ये. खुल चुका है भाई फास्ट, सबसे पहले मैं अपना खजूर खाऊंगा और फास्ट खोलूंगा. दो दिन बाद दर्शन करे हमने पूरे. बोलने का मूड नहीं है भाई, और भाव खा रहा है भाई. अब तो भाव खाएगा तो यार, अब फेमस जो हो गया तू तो. और क्या और क्या मजाक कर रहे सच में यार. नहीं बाल सच्ची मुझे इसकी बाली अच्छी लगती है भाई, कसम से बता रहा. तेरी बाली, तेरे फेस में तो बाली अच्छी लगती है इसके फेस पे. मुझे नहीं पता ये बात. क्या 70 वाले? 2, एक बिल्कुल बिना बर्फ के, एक में नहीं, एक सॉरी एक बर्फ तो है नहीं दोनों में, आइसक्रीम कम है एक में. यस बना दीजिए आप, डन. ये है आइसक्रीम कम वाला या आइसक्रीम ज्यादा वाला, दोनों में बराबर सी लग रही है. लेकिन बराबर सी ना गिरी, स्कैम तो नहीं करा? नहीं, पक्की बात है. पक्की बात.
जैसे आपने देखा मैं गया था बाहर, मैंने शेक वगैरह पिया और उसके बाद घर आ गया। यार मतलब 3-4 दिन ही ऐसे ही गए बिल्कुल जैसे ट्रैवल में, फिर मीटिंग में, फिर ट्रैवल में, और आज तो मेरा फास्ट भी था, इस वजह से बहुत ज्यादा टायरिंग था। और मेरा लास्ट व्लॉग भी बहुत कम देर का बना और ये वाला भी, लाइक कल मैंने व्लॉग ना 2 रिकॉर्ड करे, एक वर्क मीटिंग वाला और एक वो ट्रैवल वाला। ठीक है, तो वर्क मीटिंग वाला मैंने अपलोड अभी तक नहीं करा, क्योंकि अगर जब सक्सेसफुल हो जाएगी वो चीज़ तभी मैं चाहता हूँ वो चीज़ रिवील, उससे पहले ना हो। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो सक्सेसफुल हो जाए, मुझे श्योरिटी मिल जाए, उसके बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर दूंगा। और अगर श्योरिटी नहीं मिली तो वो ब्लॉग अपने फ़ोन से डिलीट कर दूंगा। और आज मैंने ज़्यादा ब्लॉग क्यों नहीं करा, ट्रेन में बताया मैंने क्या हुआ कि मेरी सीट पे एक अंकल आके बैठ गए, उन्होंने बैठने नहीं दिया, विंडो नहीं खोलने दी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। उसके बाद भाई मैं घर आया, घर आके मैं फ्रेशन अप वगैरह हुआ, और क्या कहते हैं आज मेरा फास्ट था तो थक भी रहा था, मेरा ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा था कुछ इस वजह से भी। फिर मैं थोड़ी देर बहुत लेट भी गया था, आराम करा, सोया नहीं, लेट गया था क्योंकि मुझे दिन में नींद ही नहीं आती यार, पता नहीं कैसा प्राणी हूँ मैं। और अब क्या कहते हैं अब नींद आ रही है, तो अब मैं इस ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे एंड। होप करता आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।